क्या आपने कभी ये सोचा है कि वेंडिंग मशीन किस तरह काम करती है? लेकिन टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई, मैं हूँ ना। तो जब आप वेंडिंग मशीन में कॉइन डालते हो तो वो कॉइन मशीन के अंदर लगे इस लेजर से गुजरती है, जिससे मशीन कॉइन की साइज का पता लगाती है। उसके बाद आगे लगी इन दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कॉइन की मेटल टाइप को डिटेक्ट करते हैं कि कहीं वो कॉइन नकली तो नहीं। इस आइडेंटिफिकेशन के बाद कॉइन इन कॉलम से आगे रीशूट होकर कॉइन्स के बॉक्स में जाकर गिरती है और उनके नीचे से एक कॉइन रिलीज होती है। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद आपको जो चाहिए उसका कोड डायल करने से ये कंप्यूटर उस चीज के स्पाइरल गियर को 360 डिग्री रोटेट करता है, जिससे वो स्नैक नीचे गिरकर इन लेजर बीम से गुजरता है और फिर उठा लो वहीं से। लेकिन अगर वो स्नैक इन लेजर बीम से ना गुजरे तो मशीन को पता चल जाता है कि चिप्स खत्म हो चुके हैं, इसीलिए वो आपको आपकी कॉइन निकाल कर वापस दे देगी। हो गया काम।